नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार आज से ग्रेटर नोएडा में लगने वाला है, जहां भगवत कथा का आयोजन होगा और दरबार लगेगा। ग्रेटर नोएडा के जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास श्रीमद भागवत कथा का आज से यानी सावन के पहले सोमवार से कथा शुरू होगी। बताया यह भी जा रहा है कि सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि एक सप्ताह यानी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। वहीं 12 जुलाई को यहां पर खास दरबार लगाया जाएगा, जिसमें और अधिक संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वहीं 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। अगर बात पुलिस प्रशासन की तो लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद दिखाई दे रही है। बता दें कल यानी रविवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल हुई। बता दें कल रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद भी श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं पाए। कलश यात्रा के दौरान ग्रेटर नोएडा जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा, जहां महिलाओं की पोशाक से सड़क पीले रंग में रंगी दिखाई देने लगी। बता दें कि आज से कार्यक्रम है और लगातार भीड़ जो है, भक्तों की भीड़ लगातार मौके पर पहुंच रही है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।